आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इज़राइल के सामरिया में घटी अकाल की घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की दूसरी पुस्तक के 6:24 से 7:28 तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल पर आहाब राजा का पुत्र यहोराम राज्य करता था। यहोराम अपने पिता की ही राहों पर चला और उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो भी उसने अपने माता पिता के बराबर दुष्टता नहीं की। उस समय एलीशा इज़राइल का नबी होकर परमेश्वर के संदेशों को इज़राइल के लोगों तक पहुंचाया करता था। उसने कई आश्चर्यकर्म और भविष्यवाणियां इज़राइल के लोगों के बीच में किए और कई सालों तक वह इज़राइल का नबी होकर परमेश्वर की सेवा करता रहा। जब यहोराम राज्य कर रहा था, उस समय आराम के राजा ने सामरिया नगर को चारों तरफ से घेर लिया। तब ऐसा हुआ कि सामरिया में बड़ा अकाल पड़ा, क्योंकि घेराबंदी के कारण उस नगर के लोग ना तो कहीं जा सकते थे और ना ही कोई उस नगर में आ सकता था। इस वजह से उस नगर में भोजन सामग्रियों का आयात नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वहाँ के खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे। और यही नहीं प्रियो, एक घटना तो ऐसी हुई थी जो दिल दहलाने वाली थी कि दो स्त्रियों ने आपस में यह सम्मति कर ली थी कि पहले एक स्त्री के बेटे को मारकर खाया जाए और जब वो खत्म हो जाएगा तो दूसरी स्त्री अपने बेटे को खाने के लिए देगी। लेकिन जब दूसरी स्त्री के पुत्र को पकाकर खाने की बारी आई तो उस स्त्री ने मना कर दिया। यह बात जब इज़राइल के राजा को पता चली तो वह अपने वस्त्र फाड़कर टाट ओढ़कर विलाप करने लगा और कहने लगा कि यदि मैं एलीशा का सिर धड़ से अलग ना कर दूं तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। प्रियो, राजा ने एलीशा के लिए ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सोचा था कि परमेश्वर का जन यदि हमारे बीच में है तो वह हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। लेकिन जब उसने यह सुना कि नगर के लोग अपने ही बच्चों का मांस खा रहे हैं तो वह अंदर तक झुंझला गए। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो आज तक कभी नहीं हुआ वह उसके राज्य में कैसे हो गया। प्रियो, एक बात और मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने कभी भी नर बलि करने के लिए नहीं कहा है। उन स्त्रियों ने जो किया वो बहुत भयानक पाप था और इसी बात से नाराज होकर राजा ने ठान लिया कि वो एलीशा को मरवा डालेगा। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब एलीशा पुरनियों के संग अपने घर में बैठा हुआ था तो राजा ने अपने पास से एक दूत एलीशा के पास भेजा। तब एलीशा ने पुरनियों से कहा कि इस खूनी के बेटे ने किसी दूत को मेरा सिर काटने के लिए भेजा है, इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके उस दूत को रोके रहना। जब एलीशा अपने पुरनियों से बात कर ही रहा था तो कुछ लोग राजा का संदेश लेकर एलीशा के घर के द्वार पर आ खड़े हुए और कहने लगे कि राजा यूं कहता है कि यह विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बाट क्यों जोता रहूं। तब एलीशा ने उन्हें उत्तर दिया कि जाकर राजा से कह दो कि कल इसी समय सामरिया के फाटक पर एक सआ मैदा अर्थात 7 किलो मैदा एक शकल में तथा 2 सआ जौ अर्थात 14 किलो जौ भी एक शकल में मिलेगी। मतलब एलीशा के कहने का तात्पर्य यह था कि कल इसी समय सारे खाने पीने की चीजें बहुत ही सस्ते दामों पर मिलने लगेगी। तब जो लोग राजा का संदेशा लेकर एलीशा के पास आए थे उनमें एक सरदार भी था जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था। उसने एलीशा को उत्तर देते हुए कहा कि सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसा हो सकेगा। तब एलीशा ने उससे कहा कि सुन, तू यह सब अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। प्रियो, उस सरदार ने परमेश्वर के दास की बात पर जरा भी भरोसा नहीं किया। उसने सोचा, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ना तो कोई नगर के भीतर आ सकता है और ना ही बाहर जा सकता है, तो एलीशा जैसे बोल रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए वह एलीशा से कहता है
कि यदि यहोवा आकाश के झरोके भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। प्रियो, यहाँ उस सरदार ने यहोवा की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं किया। उसने उन बातों के ऊपर विश्वास किया जो उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रही थी, और जो वह देख रहा था वह यह था कि आराम के लोग चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं और जिनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। उसको विश्वास नहीं था कि परमेश्वर पल भर में कुछ भी कर सकता है, और उसका यही अविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि एलिशा ने उससे कह दिया था कि तू यह सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा तो सही, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। प्रियो, यह हमारे लिए एक चेतावनी है कि हम कभी भी परमेश्वर की बातों में अविश्वासी ना बने। हमारे चारों ओर भले ही नकारात्मक चीजें क्यों ना हो रही हो, सब कुछ मुश्किल या असंभव क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखना है। हम सरदार के जैसे ना बने जिसने यहोवा की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लेकिन हमें अपना विश्वास इस तरह से प्रकट करना है कि भले ही आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हो तो अभी हमें मान लेना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। ऐसा विश्वास जो कुछ नहीं में भी बहुत कुछ दिखता हो, वही विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि सामरिया के फाटक के पास चार कोढ़ी बैठा करते थे। वे आपस में विचार करके कहने लगे कि हम यहाँ बैठे बैठे क्यों मर जाएं? यदि हम नगर में जाएंगे तो वहाँ भी मरना है, और यहाँ बैठे रहें तो भी मरना ही है। तो आओ हम आराम की सेना के पास जाएं, यदि वो हमको जीवित रखेंगे तो अच्छा है, और यदि वो हमको मार डाले तो भी हमको मरना तो है ही। तब शाम के समय वे लोग आराम की छावनी में जाने के लिए निकले, और जब वह पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी आहट सुनाई, जिसके कारण वे कहने लगे कि इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है ताकि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए आराम की सेना के सारे लोग अपना सब कुछ छोड़कर, जो वह दूसरे नगरों से भी जीत कर लाए थे, भाग गए। जब वे कोड़ी छावनी के डेरों के पास पहुंचे तो उन्होंने डेरों में घुसकर खाया पिया और सोना चांदी तथा वस्त्र ले जाकर छुपा दिए। जब वो लोग दूसरे डेरे में गए तब भी उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन फिर वह आपस में कहने लगे कि हम जो यह कर रहे हैं क्या यह सही है? यह तो आनंद का समाचार है कि आराम की सेना भाग गई है, लेकिन हम यह किसी को नहीं बताते। अगर हम सुबह तक यही ठहरे रहे तो फिर हमें दंड मिलेगा, इसलिए आओ हम राजा के पास जाकर उसे यह बताते हैं। तब वे चारों कोड़ी नगर की ओर गए तथा नगर के चौकीदारों को बुलाकर उन्हें सब बता दिया कि जब हम आराम की छावनी में गए तो हमें वहाँ कोई ना मिला, केवल घोड़े और गधे हैं तथा उनके डेरे जैसे कि तैसे ही हैं। तब उन चौकीदारों ने राजभवन में जाकर राजा को इस बात का समाचार दिया। प्रियो, यहाँ पर हम इन चार कोड़ियों से सीखते हैं कि ये लोग कोढ़ की बीमारी से ग्रसित थे, और व्यवस्था के अनुसार ये कोड़ी नगर के बाहर रहा करते थे। अकाल के समय ये लोग बस अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। ये नगर के अंदर जाते तो भी मर जाते, और वहीं रहते तो भी उनको मरना ही था। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि उन्होंने एक निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हाँ प्रियो, उस निर्णय ने ना सिर्फ उनकी जिंदगी बचा ली, बल्कि नगर में बचे हुए लोगों की भी जिंदगी उनके उस निर्णय से बच गई, और उनका निर्णय था आराम की छावनी में जाने का। हाँ प्रियो, वो जानते थे कि उन्हें कैसे न कैसे करके मरना ही था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि वे आराम की छावनी में जाएंगे और यदि वो लोग उन पर दया करेंगे तो शायद उनका प्राण बच जाएगा। वे अपना प्राण हथेली पर लेकर आराम की छावनी में जाते हैं तो वहां उन्हें कोई नहीं मिलता, बल्कि इतना खाना और बहुमूल्य चीजें उन्हें मिलती है जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। वैसे ही प्रियो, हम भी पाप के कोट से ग्रसित थे। बाइबल हमें बताती है कि हम मृत्यु के अधीन थे, बचने की कोई आशा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया अपने इकलौते बेटे को भेजकर, और हमारा एक निर्णय हमारे प्राण बचा सकता है, और वह निर्णय है यीशु के पास आने का। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो वह हमें हमारे सब बोझ से आज़ाद करता है,
और हमारे पाप रूपी कोड को दूर करके हमें नया जीवन देता तथा स्वर्गीय आशीषों से हमारे जीवन को भर देता है। प्रियो, एक निर्णय, सिर्फ एक निर्णय आपको मृत्यु से जीवन की ओर ले आ सकता है। यही नहीं प्रियो, इन कोड़ियों में एक और बात थी कि जब उन्हें आराम की छावनी में कोई ना मिला और वे वहां खाना पीना कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें यह समाचार दूसरों को नहीं पहुंचाना चाहिए जो भूख से मर रहे हैं, यहाँ तक अपने ही बच्चों को मारकर खा रहे हैं। तो ये कोड़ी इस समाचार को कि आराम की सेना सब कुछ छोड़कर भाग गई है नगरवासियों तक तथा राजा तक पहुंचाते हैं। वैसे ही प्रियो, हमें यह सीखना है कि जब हमारे प्राण बच गए और हमने जीवन पा लिया है, तो यह आनंद और आशीष हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। हम ये सुसमाचार दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है जो पाप में मर रहे हैं, जिन्हें जीने की कोई आशा ही नहीं है और जो मृत्यु के अधीन है, ताकि हमने जो पाया है उसे हम दूसरों तक भी पहुंचा सके और उनके भी जीवन का उद्धार हो सके। इन कोड़ियों की तरह हमें भी आनंद का समाचार दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब यह बात राजा तक पहुंची कि आराम की सेना के लोग भाग गए हैं, तो राजा को यह लगा कि शायद यह आराम की सेना की कोई चाल है ताकि वे नगर में घुस सके। इसलिए वो दो रथ तैयार करवाता है और अपने कर्मचारियों से कहता है कि जाकर देख कर आओ कि आराम की सेना कहीं घात के लिए तो नहीं बैठी है। तो वे कर्मचारी रथ लेकर यर्दन नदी तक जाते हैं और क्या देखते हैं कि मार्ग में वस्त्र और सोने चांदी के पात्र पड़े हुए हैं जो आराम की सेना उतावली में छोड़कर चले गए थे। तब उन कर्मचारियों ने आकर राजा को सब बता दिया जो कुछ उन्होंने देखा था। तब नगर के लोगों ने निकल के आराम की सेना के डेरों को लूट लिया और जैसे परमेश्वर के नबी एलीशा ने कहा था, उस यहोवा के वचन के अनुसार एक सआ मैदा एक शकेल में और दो सआ जौ भी एक शकेल में बिकने लगा। तथा राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया किया करता था फाटक का अधिकारी ठहरा दिया। तब वह लोगों की भीड़ में जो नगर से निकल रही थी पैरों के नीचे दबकर मर गया। यह भी परमेश्वर के उस वचन के अनुसार ही हुआ जो परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा कहा था, क्योंकि प्रियो, उस सरदार ने परमेश्वर के वचन का ठट्टा उड़ाया था और परमेश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं किया था। वचन के अनुसार उसने यह सब होते तो देखा कि सब कुछ सस्ता हो गया है, पर उस अन्न में से कुछ भी खा ना सका। प्रियो, यदि हम भी परमेश्वर के वचन को या उसकी भविष्यवाणी के वचन को ठुकरा देते हैं या उसका ठट्टा उड़ाते हैं यह कहकर कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं और इसका दंड भी फिर हमें मिलता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के प्रति सावधान रहना है ताकि हम कभी पाप में ना गिरें और ना ही परमेश्वर का क्रोध हम पर आए। प्रियो, अंत में मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह सूखी भूमि पर जल बरसाने वाला, हर तारों का नाम रखने वाला और करुणा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम मुसीबत में हैं और उसे पुकारते हैं, तो वो आकाश के झरोखे को खोलकर हम पर अपनी आशीषों की वर्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हमेशा उस परमेश्वर पर विश्वास रखें और उस पर हमेशा निर्भर रहें। आशा करती हूँ प्रियो कि सामरिया के अकाल की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सब से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।